अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब। तो उम्मीद करना मेरा चैनल अपना पंजाब वेखने वाले सब भरा वीर खैर खरी नाल आउणगे। तो अज का व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले जेडे दोस्त साढ़े इस चैनल के नए नए तो बराए मेहरबानी करके साडा चैनल अपना पंजाब जरूर सबसक्राइब कर लियो क्योंकि आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। तो अज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि एक ईमानदार शख्स होंदा है तो हज ते जांदा है, हज ते जांदा ते हज के दौरान उसनू एक हार मिल जाता, तो हार बहुत कीमती होंदा ते बहुत पैसे लाता। तो जो ईमानदार शख्स जाता है नहायत गरीब होंदा है, उसनू हार मिलता है, उसके दिल शैतान आया कि मैं ये हार खुद रख जावा ते मैं अमीर हो जावांगा। लेकिन उन्हें फिर सोचा कि नहीं, इस तरह नहीं, अल्लाह पाक देगा तो अपना हक हलाल दा रिज़क देगा, नहीं तो हराम नहीं। उसने उत्थे ऐलान कराया हज के दौरान कि मेरे को एक चीज़ मिली है जिस दी है अमान अपनी निशानी दे के लै लवे। काफ़ी टाइम गुजरन तो बाद थोड़े तकरीबन 3-4 घंटे गुजरन तो बाद एक नबीना शख्स आया, उसने कहा हार है मेरा, उसने निशानियाँ अपनी दीतियाँ, उस बंदे ने हार उस नबीना शख्स को देता। वापस आ रहे हज तो रस्ते इन्हें एक जगह पर स्टे उन्हें किया, एक मस्जिद रुकया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने वास्ते रुकया। तो उत्थे जिहड़े नमाजी सन उन्होंने उसनू ना वेख्या तो उन्होंने कहा तुसीं ना साडी इमामत आई कराओ क्योंकि साडे इमाम साहब आज नहीं आए। उसने इमामत कराई, इमामत करने तो बाद उन्होंने लोगों ने उसनू खाना छाना खवाया कि आज रात तुसीं इत्थे ही रुको। आज रात तो मस्जिद च ठहरिया, सुबह फिर उठ के उन्हें जमात कराई, सुबह फिर उन्होंने इमाम नहीं आया, उन्होंने कहा तुसीं साडी जमात कराओ। उन्होंने जमात कराई, जमात करा के जान लगे तो उन्हें आख्या कि एक कर्ज़ करनी है इस ईमानदार शख्स को। पिंड आलियां मस्जिद नमाजी सन उन्हें आख्या हुक्म करो, उस आख्या कि तुम सन ईमानदार तो नेक बंदे लगते हो, तुम साढ़े ना मस्जिद इमाम बन जाओ। उन्हें कहा अगर तुहाड़ी ख्वाहिश है तो मैं इमाम बन जाता। एक दो दिन गुजरे, वो जो बंदा उन्हें इमाम बनया सी तो उसनू कहिंदे कि साडा जो पहला इमाम है वह फौत हो गया, तो उसकी ख्वाहिश थी कि कोई ईमानदार जरा शख्स आवे ना तुहाडे कोल या नेक परहेजगार हो उस ना मेरी बेटी की जवान बेटी की शादी कर दियो। उन्हें कहा अगर तुहानू ये मंजूर है, तुहाडी ये ख्वाहिश है तो कोई मसला नहीं, तो मैं वैसे भी शादी करनी है, मैं तुहाडी ख्वाहिश तो शादी कर लैंदा। उसने उस इमाम की बेटी नाल जो इमाम से उसकी बेटी ने उन्हें शादी कर ली। जब शादी की तो वह हार जो उसनू उत्थे हज के दौरान मिले थी ना, वो हार उन्हें अपनी गल पाए हुए थी, उस औरत ने उसकी जी बीवी बनी है। तो उन्हें पूछा कि हार तेन कितों मिले, उन्हें कहा हार साडा अपना है, मैंने अब ने गिफ्ट दिता है। तो उसने सारा वाक्य सुनाया कि इस तरह मैं हज के दौरान सा तो उत्थे मैंने हार मिलया तो मैं इस तरह वापस किया, पहले दिल बेईमानी आई कि मैं रखा लेकिन नहीं, फिर मैं देता वापस, तो वो हार है हुण तुहाडे कोल। उसकी बीवी कहती है कि मैं अबू की फिर दुआ कबूल हुई, उन्होंने कहा कि तेरी एक शादी ईमानदार शख्स नाल की जाएगी। तो वेखो ये हार उस टाइम तुहानू मिले, तुसी उस टाइम हराम तरीके अपने को रखना चाहते सन लेकिन नहीं तुसी रखे, आज वेखो हक लाल तरीके नाल इहदे तुसी वारस बने हो। गल करन दा मकसद ये कि जिहड़ा रिज़क तुहाडे नसीब है लिखा ना, अगर तुसी उसनू जो चाहो मर्जी कर लो तुहानू मिलेगा, जिहड़ी चीज़ तुहाडे नसीब है नहीं लिखी हुई तुहानू नहीं मिल सकती। कोशिश कीती करो कि हक हलाल कमाण दी कोशिश करो, तो हराम तो दूर रहो। हराम इस दुनिया च तुहानू काम आ सकता है, आखरत उन्हें तुहाडी खराब करनी है, तो हक हलाल इस दुनिया च भी फायदा है, आखरत च भी उसका फायदा है। तो उम्मीद करना मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट राय दा जरूर दो, उतनी देर तक इजाजत दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह निगहबान।